हेलो व्यूअर्स, मैं आप लोगों का दोस्त जॉय आज फिर से एक नया ब्लॉग लेके आया हुआ हूँ। और फ्रेंड, आपको पता है बरसात का मौसम है, तो मैं घर पे रह रह के थोड़ा सा बोर हो रहा था, तो सोचा कि चलो घूम के आते हैं हमारे गांव। तो मैं आ गया हूँ हमारे गांव घूमने, तो आप लोग भी घूमोगे मेरे साथ। मैं मेरे पापा के साथ आया हुआ हूँ। तो मैं अभी आ चुका हूँ एक दूसरा ब्रिज, देखिए ये ब्रिज पहले मतलब अलग था पर अभी बन गया है, ठीक है। और नीचे देखिए फ्रेंड पानी, मुझे तो नीचे देख के ही बहुत ज़्यादा डर लगता है। और उस तरफ जंगल, ये रोड खाली रहता है क्योंकि ये पूरा गांव का ब्रिज है, तो इस तरफ ज़्यादा ट्रैफिक रहता नहीं है। मतलब अगर आपको पीस चाहिए तो आप यहाँ पे आके थोड़ा सा मतलब टाइम स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको पीस मिलेगा। तो ये रहा सेकंड ब्रिज, मैंने जहाँ पे फर्स्ट वीडियो लिया था वो था मतलब फर्स्ट ब्रिज, और ये है सेकंड ब्रिज, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे और कुछ दूसरा चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा। तो व्यूअर्स, मैं अभी आ चुका हूँ ओटा घाट पे, थोड़ा सा देखने की नदी कितना भरा हुआ है मेरे पापा के साथ। देखो फ्रेंड, नदी पूरा भर गया है, मतलब पूरा भर गया है, मतलब इतना भी नहीं भरा है, ठीक है, पर पानी बहुत भर चुका है। और वहाँ पे देखो फ्रेंड, और हाँ ओटा घाट, जो आपको नदी के बीच में जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा होगा वही है ओटा घाट। मतलब वो एक टापू है, मतलब चारों तरफ से नदी, मतलब चारों तरफ से पानी गया हुआ है, बीच में टापू। मैं कभी ना कभी तो वो टापू जाऊँगा, मुझे मन है उस टापू पर। हाँ, और टापू मुझे लगता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा वो टापू, पर जितना खूबसूरत होगा उतना ही डेंजर होगा। पर यह नदी पर एक भी इंसान मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। देखो, अगर मेरे पापा बैग लाते तो मैं यहाँ से चुन चुन के पत्थर भी ले लेता। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा उतर ही जाता हूँ, पर उतरूँगा कैसे, स्लिप होके गिर गया तो, क्योंकि अभी बरसात हुआ है और बरसात के टाइम वाओ निशान भी है, मतलब कोई यहाँ पे गिर रहा था। पर पानी तो पूरा गंदा हो चुका है, मतलब पूरा पूरा गंदा, पर फिर भी चलो मैं पानी के अंदर थोड़ा सा मतलब पास जाता हूँ। स्लिपरी 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 स्लिपरी। तो मैं तो घाट से उतर रहा हूँ, पर उतरना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, समझ रहे हो फ्रेंड, क्योंकि आपको देख के उतरना पड़ेगा, क्योंकि अभी पानी हुआ है तो मिट्टी थोड़ा सा स्लिपरी हो गया है, पैर फिसला मतलब आप गिर जाओगे। ढंग ढंग में किस तरफ से उतरूँ, जगह मुझे जंप करना पड़ेगा। उतर तो लिया मैं, वाओ देखो मैं उतर लिया, और मेरे पापा मुझे एक प्लास्टिक दिए हैं। जब मैंने बोला ना कि जोड़ी तो मैं लाया नहीं हूँ, पत्थर मैं कैसे लूँ, तो मेरे पापा स्कूटी से एक प्लास्टिक निकाले और मुझे दे दिए। तो अगर मुझे सुंदर सुंदर पत्थर मिलेगा तो कुछ कुछ पत्थर मैं भर लूँगा जोड़ी के अंदर। देखिए फ्रेंड, नदी पर पानी भर गया है और थोड़ा सा मतलब क्या बोलूँ, ये देखिए ना, ये घास सब बहुत सारे हैं, पानी का कलर देखिए पूरा येलो हो चुका है, मतलब हड़दी देखो, पर पानी पानी डर्टी डर्टी येलो। पर जाऊँ भी कैसे, मुझे थोड़ा सा मतलब अजीब लग रहा है, क्योंकि पानी का कलर, अगर पानी का कलर साफ होता तो मुझे अच्छा लगता, पर मतलब येलो हो गया है ना, तो मुझे पानी के अंदर भी घुसने को मन नहीं कर रहा है। पर फिर भी मैं आ गया हूँ नदी, थोड़ा सा देखने की पानी कितना भरा हुआ है, तो आप लोग भी देख सकते हो पानी कितना भर गया है, ठीक है। देखो वाह, मस्त लग रहा है फ्रेंड। देखो मैं अभी चल रहा हूँ पानी पे, पानी मतलब यहाँ देखो, ये सब देख के तो लग रहा है कि पानी मतलब बहाव हो रहा था, पर अभी थोड़ा सा मतलब पानी कम हो गया है। और ये क्या सब, ये कौन सा अजीब टाइप का ग्रास है, इसको तो मैं ले ही लेता हूँ, पता नहीं ये कौन सा है। वेट, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ये कौन सा ग्रास है, ये वाटर कैबेज तो नहीं है। वाह, ये तो वाटर कैबेज है, मैं वाटर कैबेज अभी लेके जाऊँगा अपना घर। देखो ये वाटर कैबेज है, यहाँ पे बहुत सारे वाटर कैबेज हैं, शायद ये वाटर कैबेज ही होगा, तो ये वाटर कैबेज को अभी मैं
लेके जाऊंगा, देखो। तो व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे कुछ वाटर कैबेज ले लिया है, ठीक है, और सोच रहा हूँ कुछ पत्थर भी ले ही लेता हूँ। ये व्हाइट वाला लू क्या? वेट फ्रेंड, मैंने तो जोरी में कुछ कुछ वाटर कैबेज ले लिया है। अभी मैं घर पे जाऊँगा, पानी पे रखूँगा और देखूँगा कि ये वाटर कैबेज जी उठता है कि नहीं। जी उठेगा तो अच्छा ही लगेगा मुझे, पर फिर भी अभी पत्थर ले लेता हूँ। पत्थर यहाँ से ही लेता हूँ क्योंकि ओ घाट जो कोंगसर घाट है वहाँ वहाँ तो पानी पर भर गया रहेगा, तो मैं पत्थर चुन नहीं पाऊँगा, तो मैं यहाँ से ही मुझे चुनना पड़ेगा पत्थर। देखो फ्रेंड, अगर आप वाटर प्लांट ग्रो करना करना चाहते हो तो यहाँ से आके ये सबको भी ले सकते हो। यहाँ पे शायद ब्लू कलर का फ्लावर खिलता है, बहुत मस्त लगता है। तो व्यूअर्स, मैं भी आया हूँ, पत्थर चुन रहा हूँ, चुन चुन के लूँगा और अपने गार्डन पे सजाऊंगा, ठीक है। और मैं अभी से नॉर्मल पत्थर नहीं चूज मतलब नहीं चुन रहा हूँ, जो पत्थर मुझे पसंद आ रहा है मैं उसको ही उठा रहा हूँ। और मैं तो रेड कलर का पत्थर ज़्यादा उठा रहा हूँ। वेट, मैं आपको दिखाता हूँ मैं कौन सा कलर का पत्थर उठा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, इस टाइप का रेड रेड कलर का पत्थर सबको मैं यहाँ पे चुन रहा हूँ, ठीक है। कुछ कुछ पत्थर तो मैंने उठा लिया क्योंकि देखो, अगर आप गमले में ये पत्थर सब देते हो ना, तो मतलब थोड़ा सा लुक बदल ही जाता है, लुक थोड़ा सा मतलब अच्छा सुंदर हो जाता है। देखिए ये घास बहुत मस्त है। फ्रेंड, आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि नदी किनारे में ना कुछ बच्चे मुझे देख रहे हैं। शायद वो लोग मन ही मन सोच रहे होंगे कि ये लड़का ये नदी के किनारे में अकेले क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं अकेला हूँ, ठीक है। और एक बात बोलूँ, मतलब कुछ लोग ना इस घाट में आने के लिए बहुत डरते हैं क्योंकि यहाँ पे ना पानी बहुत ज़्यादा गहरा होता है, बहुत, ठीक है। और वहाँ पे तो ओटा घाट, वहाँ पे देखो साउंड, पानी का साउंड देखो, सुनाई दे रहा है फ्रेंड आपको? मैं अभी पत्थर चुन रहा था तो यही पास में मुझे एक सुंदर सा पत्थर दिखा था, पर कहाँ दिखा था मैं भूल गया हूँ, तो अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो फ्रेंड चलो, मैंने बहुत कुछ बहुत सारा पत्थर मतलब चुन लिया है, अभी मैं जाता हूँ घर। मेरे पापा वहाँ पे मेरा वेट कर रहे होंगे, तो चलो घर जाते हैं। इस तरह से आया हुआ था, अभी मैं इस रास्ते से जाऊंगा। हमने देखे तो नीचे रहते, तो मैं गया चला, यहाँ से कुछ कुछ पत्थर चुना हूँ। तो व्यूअर्स, मैं अभी मेरे गार्डन पे पहुंच चुका हूं और नदी से मैं जो जो पत्थर लाया हूं अभी मैं गार्डन पे रखूंगा, और नदी से जो प्लांट में लाया था उसका भी मैं पानी में छोड़ दूंगा। शायद ये वाटर कैबेज ही है मुझे जो लगता है। अभी इसको मैं, मेरा एक टॉब है, उस टॉब में मैं अभी इसको छोड़ दूंगा। टंग टंग टंग, हाँ ये बड़ा वाला प्लांट को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। यहाँ पे कुछ है तो नहीं? चलो नहीं है, अभी इसको मैं डाल देता हूँ इसके अंदर। टंग, ये रहा, मैंने डाल लिया, और ये बड़ा को यहाँ पे ही रख देता हूँ। देखो, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ कि वो वाटर कैबेज है कि नहीं, पर मुझे थोड़ा थोड़ा वाटर कैबेज की तरह लगा, तो मैं नदी से ले आया, ठीक है। और जो जो पत्थर में लाया हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। वेट,
ये देखो मैं ये सब लाया, तो कुछ तो लाया ना, खाली हाथ तो नहीं आया ना, कुछ तो पकड़ के लाया ना। तो इसको अभी मैं दे के सजाऊंगा। आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ, मैं नेक्स्ट आऊँगा मैंने नेक्स्ट वीडियो लेके, तो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। जय जगन्नाथ।